साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वेट सॉल्यूशन चैनल में। पशुपालक की कॉल आई कि हमारी जो गाय है वो 21 दिन बाद डिस्चार्ज देती है और AI करवाए हुए उसको लगभग 5 से 6 महीने हो गए। तो हमने जाके उसको देखा, जो गाय का वेट था वो बढ़ा हुआ था और वो साइकिल में थी, डिस्चार्ज भी कर रही थी और अन्य पशु पर रैम भी कर रही थी। तो अपने जाके इसको कंट्रोल करवाया और रेक्टम पाल्पेशन के लिए पशुपालक को बोला कि इसका रेक्टम पाल्पेशन करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये हीट में है या प्रेगनेंसी है इसके। कंट्रोल कराने के बाद इसका अपने रेक्टम पाल्पेशन कर रहे हैं, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। रेक्टम पाल्पेशन करने के लिए पशु को पहले कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि रूरल एरिया में प्रत्येक जगह ट्रेविस नहीं होता, तो रस्सी से इसको अपने बांधते हैं। रेक्टम पाल्पेशन करने के बाद ये पता चला कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है और कम से कम 5 से 6 महीने का प्रेग्नेंट है। फिर क्यों ये बार बार साइकिल में आता है, प्रत्येक 21 दिन बाद ये डिस्चार्ज करता है और कभी कभार रंबाना शुरू करता है और दूसरे पशुओं पर चढ़ता भी है, तो इसका कारण जानेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो कारण क्या, कई बार होता है कि पशु जो कंटिन्यूस प्रेग्नेंट होने के बाद भी साइकिल में आता रहता है, क्योंकि जो उसका एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्तर 21 दिन बाद ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो वैसा बना रहता है पर उतना नहीं होता जितना कि वो एस्ट्रोजन को दबा सके, तो इसके कारण ही जो एनिमल है वो डिस्चार्ज करता है और रंबाता है और दूसरे पशुओं के ऊपर जो चढ़ता है। तो इसके लिए अपने को जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन है, जैसे पाउडर फॉर्म में आ रहे हैं, उसको ओरल रूप में कंटिन्यूस 10 से 12 दिन, या पशु ज़्यादा फोर्स कर रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा है, तो इस परिस्थिति में अपने को जो हार्मोन आ रहे हैं इंजेक्ट करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है जो, उसको इंजेक्ट करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नहीं तो पशु अबोर्ट हो जाएगा और जो गैब है वो फेंक देगा, बच्चे को फेंक देगा। तो अब इसको अपने प्रोजेस्टेरोन दिया है और ओरल में इसको जिसे गेस्टाप्रोजन पाउडर आ रहा है वो लगातार 8 से 10 दिन देंगे, तो जो एनिमल है ऐसी परिस्थिति में नहीं आएगा, 21 दिन बाद डिस्चार्ज नहीं करेगा और पूर्ण रूप से नॉर्मल हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन इसको देके और ओरल में इसको अपने पाउडर फॉर्म में जो हार्मोन आ रहा है उसको देंगे। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।